नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। क्या बीजेपी बलात्कारियों को संरक्षण देती है? क्या बीजेपी बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है? ये सवालों का जवाब जिसने कहा है उससे सुनना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आखिर ऐसा किसने कहा। दरअसल अभी बीजेपी कांग्रेस का 3 दिनों का ये चल रहा था महाधिवेशन, और उसके बाद जो है किस तरीके से, हालांकि इस अधिवेशन को महाअधिवेशन कह दिया गया और उसमें एक से एक दिग्गज आए शामिल हुए, और उसमें दरअसल जो है कांग्रेस की नेता शामिल हुए हैं, और उन्होंने जो कहा कि बीजेपी बलात्कारियों को संरक्षण देती है, किस तरीके से कहा जरा सुने। जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है पार्टी का, मैं उस पर बोलना चाहूंगी। आज कांग्रेस पार्टी को जरूरत है हमें हमारी और आपकी। इस तिरंगे झंडे ने इस देश के लिए बहुत त्याग और बलिदान दिया है। 1942 में जिस तरह से संकल्प लिया था कांग्रेस पार्टी के जाबाज साथियों ने, और कहा था, नारा दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो, साथियों समय आ गया है कि आज यहां पर हमें संकल्प लेना है, भाजपा गद्दी छोड़ो, और अगर यह संभव हो सकता है तो केवल कांग्रेस के हमारे साथी जो दूर दूर से आए हैं, केवल आपके संकल्प और सहयोग की वजह से हो सकता है। हमें आज उसी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, और याद दिलाना चाहती हूं मैं आप सभी को, आप देश के कोने कोने से आए हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें इंदिरा गांधी जी का और राजीव गांधी जी का त्याग है, बलिदान है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने शरीर के टुकड़े होने दिए, पर इस देश के टुकड़े होने दिए। उस राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की विरासत को लेकर के हमें आगे चलना है। जो अंग्रेजों से लड़े हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, कांग्रेस के सिपाही, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश को की एकता के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, पर अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके, आज हमें और आपको उसी तिरंगे झंडे को, कांग्रेस के उसी संकल्प को कि देश को एक रखना है, उसी संकल्प को जिसे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, उसी संकल्प को लेकर के हमें आपको आगे बढ़ना है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगी साथियों, इस तिरंगे झंडे ने, कांग्रेस पार्टी ने हमें पहचान दी है, और आज इस देश को, इस तिरंगे झंडे को और कांग्रेस पार्टी को हमारी और आपके ताकत की जरूरत है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, हाथ उठा करके आज आप बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के इस संकल्प में, भारत जोड़ने के संकल्प में आप सब साथ हैं। हाथ उठा करके बता दीजिए, कांग्रेस का हर साथी इस संकल्प में भारत को जोड़ने के लिए आज एक साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आपने सुना उन्होंने किस तरीके से चिमयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर और तमाम वो बलात्कारी का वो जिक्र करते नजर आ रही हैं, और वो बताती नजर आ रही हैं कि बीजेपी आखिर इन्हें क्यों बचाती है, इसके पीछे की क्या वजह है। और ये चीज आप समझ रहे हैं, चुनाव भी है सर पे, वो तो समझ सकते हैं, लेकिन चलिए कम से कम आज बीजेपी को बलात्कारियों को बचाने की नौबत आ जाए, इससे शर्म की बात तो नहीं हो सकती। अब अफसोस की बात यह है कि बीजेपी ने अब तक इन नेताओं के सवालों का जवाब नहीं दिया, इनके खुलासे का जवाब नहीं दिया, जो और भी चिंताजनक है। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या होता है, और ये जो बड़ा खुलासा किया है अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेसियों ने, कि बीजेपी बलात्कारियों को संरक्षण देती है, हालांकि इस पे बृजभूषण शरण सिंह पे भी इशारा है, तो देखते हैं कि आखिर बीजेपी की तरफ से कौन इशारा करता है, क्या संबित पात्रा जी या फिर गौरव भाटिया या फिर तमाम बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री क्या कुछ कहते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आपको क्या लगता है दर्शकों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि क्या बीजेपी बलात्कारियों का संरक्षण करती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं स्पेन न्यूज़। नमस्कार।